नमस्कार, मैं अजय कुमार। कुछ आरोपों में दम ही नहीं होता है, पहले ही नजर में बिल्कुल बेदम होते हैं। ठीक ऐसा ही बेदम आरोप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहकर लगाया गया है। कानून के जानकार गौतम भाटिया इस मसले पर ट्वीट करते हैं कि प्रशांत भूषण से जुड़ी उस याचिका को मैंने बड़े ध्यान से देखा, जिसके आधार पर प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई है। यह याचिका ऐसी है कि जिस पर ठोस जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट खुद को ही शर्मिंदा कर रही है और कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल तो बनता ही है कि ऐसे बेबुनियाद आरोपों से फायदा किसका होता है। इसका जवाब सीधा है, बड़े ध्यान से देखा जाए तो ऐसे बेबुनियाद आरोपों का मतलब पहले से खींची गई समाज में राजनीतिक लकीर को और तीखा करना होता है। समाज में चल रहे राजनीतिक बंटवारे की जमीन को और अधिक बांटना होता है। मौजूदा समय की राजनीति को बड़े ध्यान से देखा जाए तो वह लगातार भारतीय संस्थाओं का इस्तेमाल कर समाज में उस लकीर को तीखा करती रहती है जिस लकीर के एक तरफ भाजपा और भाजपा के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ भाजपा और भाजपा के मुखर विरोधी हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है इसको समझने के लिए प्रशांत भूषण की उन दो ट्वीटों को पढ़ते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है, और इसके बाद उसको भी समझने की कोशिश करते हैं जो याचिका अदालत में पेश की गई और उनमें लिखे हुए आधारों को भी समझते हैं जिसके आधार पर यह कहा गया कि प्रशांत भूषण ने कोर्ट की अवमानना की है। तो सबसे पहला उनका ट्वीट है, जब इतिहासकार भविष्य में पिछले 6 सालों की ओर मुड़कर देखेंगे कि कैसे बिना इमरजेंसी लगाए भारत का लोकतंत्र बर्बाद हो गया है तो वे विशेष तौर पर इस बर्बादी के लिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा करेंगे, और इसमें से भी विशेष तौर पर अंतिम 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका पर सवालिया निशान लगाएंगे। उनका दूसरा ट्वीट है, बिना मास्क और हेलमेट पहने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नागपुर के भाजपा नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हैं, जबकि इसी समय इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगाकर नागरिकों को अपने न्याय की पहुंच से जुड़े मौलिक अधिकार से वंचित कर रखा है। अब संविधान द्वारा दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को अपने मन में रखिए और इन दोनों ट्वीटों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो नागरिकों को मिले आलोचना के अधिकार के तहत नहीं आती है। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो मौजूदा समय के सच के करीब नहीं पहुंचती है और उसके सच को बयान नहीं करती है। प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आधार दर्ज किया गया है कि प्रशांत भूषण का ट्वीट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संप्रभु कामों पर यानी कि सोवेरियन कामों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। प्रशांत भूषण जैसे मशहूर वकील ने बिना ऑनरेबल यानी सम्माननीय शब्द का इस्तेमाल किए हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पब्लिक स्पेस में लांछन लगा दिया। यह प्रशांत भूषण के रूड बिहेवियर को, अभद्र व्यवहार को साबित करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जज अपनी छुट्टियों का मजा लेने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागरिकों को न्याय दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत भूषण का आरोप पूरी तरह से गलत है, सस्ता पब्लिक स्टंट है, या यह कह लीजिए कि सस्ती लोकप्रियता की चाहत में किया गया ट्वीट है, एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सा है, इसलिए ट्वीट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। इन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने प्रशांत भूषण के ट्वीट को न्यायालय की अवमानना करार दे दिया। प्रशांत भूषण और ट्वीट इंक को 5 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
अजीब बात है कि इस मसले के दो दिन भी नहीं बीते थे कि गहलोत, सचिन पायलट और राजस्थान सरकार से जुड़ा जो विवाद चला आ रहा है उसमें जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि आलोचना की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है और पूछा कि क्या लोकतंत्र में किसी को इस तरह चुप कराया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि न्यायाधीश भी जानते हैं कि उनके द्वारा प्रशांत भूषण पर की जा रही कार्यवाही किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। न्याय के किसी भी धरातल पर चंद सेकंड भी खड़ा नहीं रह सकती है। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसका जवाब जैसे कि पहले ही कहा गया है कि बिल्कुल सीधा है। मौजूदा निजाम की राजनीति ने भारत की सभी संस्थाओं को अपने जेब में रख रखा है। उसे जैसे चाहे वैसे, जब चाहे तब, जिस फायदे के लिए चाहे उस फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस समय की राजनीति ने संस्थाओं को किस तरीके से बर्बाद किया है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 साल की कार्यवाहियां बता सकती हैं। इस कोरोना के दौरान ही ले लीजिए, प्रशांत भूषण और हर्ष मंदर जैसे एक्टिविस्टों ने प्रवासी मजदूरों की परेशानियां से जुड़ी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। 62 दिनों तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और 62 दिनों के बाद इस पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि आप लोग का भरोसा राज्य में नहीं है। अब इन्हीं दो ट्वीटों को देख लीजिए, जिन ट्वीटों पे बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से उन ट्वीटों का आधार बनाते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना के समय में सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटीज क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है। अब जब मामला प्रशांत भूषण से जुड़ा है तो थोड़ा प्रशांत भूषण के कामों को भी समझ लेते हैं। आखिरकार प्रशांत भूषण ऐसा करते क्या है कि देर सवेर भाजपा या कांग्रेस किसी का भी निजाम हो वो सुर्खियों का हिस्सा बन जाते हैं। प्रशांत भूषण पेशे से वकील हैं, लेकिन अपने कामों से उन तमाम लोगों के बीच मौजूद वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में मौजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने पूरे दमखम से लड़ाई लड़ी है। कोयला ब्लॉक घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से जुड़ा घोटाला, गोवा में अवैध खनन से जुड़ा मसला, तमिलनाडु के कदानुकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा से जुड़ा मसला से लेकर तकरीबन 450 से अधिक जनहित याचिकाएं प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें से अधिकतर याचिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने नेताओं और उद्योगपतियों के गठजोड़ से जन्मे आपसी भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है। साल 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट का लोया केस, जस्टिस लोया केस, सुप्रीम कोर्ट को RTI के दायरे में लाने से जुड़ा केस, मेडिकल घोटाले से जुड़ा केस जिसमें भूतपूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का भी नाम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री खलीको पुल की आत्महत्या से जुड़ा मसला, ये सारे ऐसे तमाम मामले हैं जिनकी जनहित याचिकाओं में प्रशांत भूषण की भागीदारी रही है। ये सारे मामले ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट को खटकते हैं, सरकार को खटकते हैं और ऐसे वकील और कार्यकर्ता नहीं है जिसकी गोटी सरकार और अदालत के साथ बहुत आसानी से फिट हो जाए। प्रशांत भूषण का जीवन व्हाइट कॉलर माफियाओं की धांधलियों को उजागर करने में जुझारू तौर पर लड़ते हुए बीता है और जी वो इसे ही जी रहे हैं। रवीश कुमार के साथ एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण कहते हैं कि किसी इंसान के पास दो चीजें हों तो वो दुनिया के भ्रष्टाचार से आसानी से लड़ सकता है। पहला, वह आर्थिक तौर पर मजबूत हो और दूसरा उसमें सच बोलने और बरतने का साहस हो। मेरे पास यह दोनों है इसलिए मैं यह काम कर पाता हूं। मुझे इस बात का डर नहीं है कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ते हुए मेरी वकालत की प्रैक्टिस ठप हो जाएगी। मेरे पास इतना है कि मेरी जिंदगी आसानी से गुजर सके। साथ में इस समाज में सुधार करने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इसलिए इस बात का ज्यादा डर नहीं रहता है कि कोई मुझे मरवा देगा। शुक्रिया।